टॉप 5 अडल्ट मूवीज। आज मैं जितनी भी मूवीज बताने वाला हूँ, इन सारी मूवीज को आप अकेले एक कोने में बैठ के एयरफोन लगा के ही देखना। आज की मूवीज की लिस्ट में कॉमेडी स्लैशर्स खून खराबे वाली फिल्म भी शामिल होने वाली है और उनमें अडल्ट सीन तो भर भर के मिलने वाले हैं आपको। और मैं आपको इन मूवीज की स्टोरी बताऊंगा इसी वीडियो में, जिससे आपको इन मूवीज को डिसाइड करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही एयरफोन लगा लें, बाद में मत कहना वार्निंग नहीं दी। पांचवे नंबर पर जो मूवी आती है उसका नाम है डिकॉयस। इस मूवी के टोटल दो पार्ट है और दोनों पार्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं और इनकी हिंदी डब भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देता हूँ किस तरह से इस फिल्म की स्टोरी है। तो स्टोरी इसकी इस तरह से है, कुछ एलियंस अपने घिना तबाह होने की वजह से वो पृथ्वी पर आए और वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए सुंदर लड़कियों में बदल चुके हैं और वो अलग अलग लड़कों से अपने गड्ढों की खुदाई करवाती है, जिसके बाद उनके अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। लेकिन हर कोई उनके अंडों को सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी मौत माना जाता है। इस मूवी में काफी ज्यादा भर भर के हमें न्यूडिटी दिखाई गई है। इस मूवी को अकेले में एयरफोन लगाकर ही देखना। अब बात कर लेते हैं जो चार नंबर पर हमारी मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द डिक्टेटर। अब इस मूवी की कहानी इस तरह से, एक अय्याश सन की राजा जो कि इतना अय्याश होता है उसे हर रात एक लड़की चाहिए और इस मूवी में काफी ज्यादा भर भर के कॉमेडी दिखाई गई है। यह आदमी इतना ज्यादा ठरकी होता है कि इसकी सेना भी लड़कियों की है। ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, इस मूवी को तो आपको देखना चाहिए और इसकी हिंदी डब काफी ज्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है माई फॉल्ट। इस मूवी की स्टोरी इस तरह से है, एक औरत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर लेती है, लेकिन उससे पहले उसकी शादी पहले से हो रखी थी। उस औरत की एक लड़की होती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसका नाम नोवा होता है, और वहीं उस बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है जिसका नाम निक होता है। अब इन दोनों के पेरेंट्स को साइड फेंकें और इन दोनों की स्टोरी की बात करें तो पूरी फिल्म की स्टोरी इन दोनों पर ही बेस है। वैसे तो रिश्ते में ये दोनों भाई बहन लगे, लेकिन इन दोनों की करीबियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच क्या कुछ होता है यही जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी हिंदी डब भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अब बात कर लेते हैं जो दूसरे नंबर पर मूवी आती है, उस मूवी का नाम है केविन फीवर। ये 2016 में आई थी और इसकी कहानी इस तरह से है, कुछ लोग हैं जो एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए एक केविन रेंट पे लेते हैं और वहाँ पर एक वायरस के चलते इन लोगों की मौत काफी बुरी होती है। इनका पूरा शरीर गल के छूटने लगता है, इनकी खाल इनके शरीर से अलग हो रही होती है। और जो पहले नंबर पर फिल्म आती है उसका नाम है एक्स। अब इसका नाम एक्स है तो आप समझ ही गए होंगे इसके कॉन्टेंट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ जिससे आप डिसाइड कर पाए। तो इसकी कहानी ऐसी है, कुछ लोग हैं जो अडल्ट मूवी बनाने के लिए एक सुनसान लोकेशन पे जाते हैं जहाँ आसपास कोई भी नहीं है, खाली एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहती है। वो अपनी अडल्ट मूवी पूरी तरह से शूट कर भी लेते हैं, लेकिन उनकी मौत इतनी बुरी होती है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन सबको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है और इन सबको उन्हीं के मकान मालिक के द्वारा मारा जाता है। अब ऐसा वो क्यों करता है, आखिर ये अडल्ट मूवीज किस लिए बनाना चाहते हैं, ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही समझ आएगा। तो यही थी आज की टॉप 5 18 प्लस मूवीज की लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा।